जितने भी लोग मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं उनसे सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा, अपने दिल पे हाथ रखिए और सच्चाई के साथ इसका जवाब देना। कल जो इंडिया हारी पाकिस्तान के खिलाफ, वो सिर्फ शमी के कारण हारी कि शमी ने उन्हें जिताया पाकिस्तान को? हक ईमानदारी से अपना जवाब कमेंट के अंदर लिखना, क्योंकि कुछ लोग अभी भी शमी को डायरेक्टली गाली दे रहे हैं, छुट्टा गाली दे रहे हैं, और डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान चले जा, तूने पाकिस्तान को जिताया, तू भड़वा एक्स वाई जेड, मतलब बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे सिर्फ एक मुस्लिम होने पर। मैं इस वीडियो के अंदर हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया, सिर्फ मैं आप सभी को सच्चाई बता रहा। कल जिस तरह से टीम इंडिया मतलब बुरी तरह से हारी, उसके बाद डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा शमी को, ट्रोल किया जा रहा, जो आपको साइड में कुछ कमेंट दिख ही रहे हैं, डायरेक्टली मतलब इतने बुरे बुरे कमेंट किए जा रहे शमी के इंस्टाग्राम के पोस्ट के नीचे, तू पाकिस्तानी है, तूने पाकिस्तान को ज़बरदस्ती जिताया, जब वर्ड डालना है तो क्यों डाली? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो आखिरी वर्ड थी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना गेम ख़त्म किया वो शमी के वर में ख़त्म किया। शायद शमी ने 15-16-17 रन दिए उस वर के अंदर। तो गाइस इसी को लेकर कई सारे लोग डायरेक्टली शमी को टारगेट कर रहे हैं और डायरेक्टली मतलब गलत गलत बोल रहे हैं, तू मुसलमान है, तू पाकिस्तान चल जा, तूने ज़बरदस्ती ऐसी वर्ड डाली, तेको वर्ड डालना नहीं आती, क्यों करा ऐसा? मतलब आप सोचिए, एक मैच की वजह से इतने बड़े खिलाड़ी को मतलब उस पर तोहमत लगा रहे, उसके देशभक्ति पर तोहमत लगा रहे, उसको ज़बरदस्ती ट्रोल कर रहे हैं, जबकि ये वही शमी है, ये वही शमी है जहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी के टाइम पर कुछ पाकिस्तान के प्लेयर बाप बाप मतलब जब वहाँ से जा रहे थे, आपको साइड में देखी रहूँगा, तो वहाँ पर ये चिढ़ा रहे थे मतलब इंडियन प्लेयर को, बाप बाप होता है विराट कोहली वगैरह, इन सबको बोल रहे थे। तो गाइस डायरेक्टली शमी उनके मतलब सामने गए, उनको मतलब लड़ रहे थे, उनसे एंग्री हो गए थे। तो क्या ये शमी पाकिस्तानी है जो मतलब इंडियन टीम के लिए लड़ रहे, तो ये पाकिस्तानी है कि नहीं? और साथ ही साथ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शमी ने इतने सारे रन दे दिए, जिता दिया। मतलब कल के मैच में जो बाकी बॉलर थे, बुमराह, भवेशनर और मतलब कौन कौन से बॉलर थे आप सभी को पता है, इन्होंने कुछ भी किया नहीं, मतलब सारे के सारे 150 रन पूरे प्लेयरों ने शमी को मार दिया। क्या शमी के इतने सारे रिकॉर्ड है, शमी ने अपने देश के लिए इतना कुछ किया, पाकिस्तान के खिलाफ कई सारे विकेट लिए, वो सब एक तरफ, मतलब कल का मैच हारे तो शमी की वजह से हारे। अरे यार कब तक मतलब नफरतें फैलाऊंगे सिर्फ एक मुस्लिम होने की वजह से, मतलब कब तक? गाइस आपसे बता दूं, इंडिया के अंदर कई सारे लोग ऐसा है जो मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसा तबका है जहां पर उसे सिर्फ कुछ नहीं दिखता, उसे सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है। मतलब कल का मैच जो जिताया तो शमी ने जिताया क्योंकि वो मुस्लिम थे और सामने वाले भी मुस्लिम थे, शमी ने ज़बरदस्ती ख़राब वर्ड डाली। अरे यार कोई अपना करियर क्यों ख़राब करेगा यार किसी के लिए? ज़रा सोचिए, आज अपना भाई दूसरे भाई के लिए अपना करियर ख़राब नहीं कर रहा, तो ये तो यार पाकिस्तान, यार हमारा तो उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। जो यार जो भी लोग ऐसे कमेंट करते हैं उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता हूँ, क्योंकि वो अपने देश के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जद्दोजहद करते हैं, बाद में आप मतलब ऐसा कुछ बोल देते कि तू पाकिस्तान चले जा, मतलब कैसा लगता हूँ यार इतनी मेहनत करने के बाद। हार जीत तो हर गेम में, इंडिया हारी पूरे देश को दुख है, पूरे देश को गम है, लेकिन इस तरह का अगर हम गम मनाएंगे किसी को टारगेट करके तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो भी एक प्लेयर है और उसे भी दुख पहुँचता हूँ, उसके अंदर भी एक दिल है, और इतनी मेहनत करने के बाद किसी को हम टारगेट करेंगे सिर्फ एक मुस्लिम होने पर, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आप सभी से आखिरी में सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो भी हुआ ये शमी की वजह से हुआ, कि जो लोग कर रहे हैं मतलब शमी को टारगेट कर रहे हैं सही है गलत है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जो निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं, जातवादी के कमेंट कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर करना।